देखो हमारे यहाँ तीन तरह की यात्रा होती है, पाल की, जय कन्हैया। मैं सीधा बरसाना के बाद सीधा यहीं पे आया हूँ। यहाँ इस चीज देखो ड्रम पड़े हैं मेरे ये तो हाँ खाली हो रखा भाई। भाई आपको अब नंद गांव के दर्शन कराते नहीं की जाए नंद गांव। एंट्री करते हुए लिखा हुआ है सखियां दो डांस कर रही है और कुछ ऐसा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, कौन कौन आया कमेंट में जरूर लिख देना मुझे। राधे राधे भाई भीड़ हो रखी है। एक एंट्री गेट ही है राधे कृष्ण। तू तो अपने पैसे देकर के मोल खरीदा है, तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ दोनों ही एक जैसे हैं। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी सभी की जैसा श्रृंगार धारण होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है, आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करो। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहां राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहु बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे यहां आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहां नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के हंसे हुकार के बजा के करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए हमारे यहां बस भैया बस, ओ लाला ओ बेटा बस, ऐसे हंसोगे तो बसा बसा घर छूट जाएगा। देखो हमारे यहां तीन तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहां तक पैदल चल के आए वो भी आपकी पद यात्रा है। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे यो भी नजर यात्रा है। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहां की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे। हमारे नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के दर्शन यात्रा, हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, हजार बार बुलाना। बोलो नंद बाबा की। यहां आने का क्या महत्व है भैया, दो शब्दों में यहां की महिमा है, ये ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव और वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। संसार में क्या करूं, बैठ जाओ मां इसको बाद में करना, बैठ जाओ। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर।
रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना सट्टासुर अघासुर बकासुर तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहां नंद गांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे। यहां पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहां तपस्या की थी और हमारे यहां श्राप दिया हुआ था कि यहां कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहां जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहां रहे और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया, जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख होता। हमारे नंद गांव हमें गाय दान करके जाते, क्योंकि अगर आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा इस गांव का नाम गोलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहां स्वयं गाय दान किया। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है वहां सोना दान होता है। जमीन से प्रकट हुए थे हम बम बोले भाई, परचम सुनने में मजा आ गया, बहुत अच्छा बोल रहे थे पंडित जी। आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देखो जी भाई नंदगांव ऊपर से दिखा रहा हूँ। हम वहाँ गलियों गलियों से आए हैं, छोटी छोटी गलियों से आए हैं, दिखाता हूँ। मैं सीधा बरसाना के बाद सीधा यहीं पे आया हूँ, बरसाना में होली खेली है उसके बाद सीधा यहीं पे आया हूँ, यहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे अभी कपाट बंद है। तो पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, बाकी ऊपर से देखो भाई यहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा है, पूरा गांव दिख रहा है बरसाना का, नंद गांव भी दिख रहा है पूरा। देखो फॉरनर भी आए हुए हैं, और यहां से देखो फ्रंट देखो दवा जल्दी दबजने आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी नीचे आए हैं भाई, बोले होली खेल रहे, होली खेल रहे बोले। यहाँ फैमिली बैठी हुई है, कब कपाट खोले दर्शन करें। जय राधे राधे। ये वहां से कोशी गला दिख रहा है, यहाँ एक चीज दिखाओ, ये ड्रम पड़े हैं मेरे ख्याल से, ये तो हाँ खाली हो रखे हैं सारे, ये होली में खेली गए होंगे ना, ये ड्रम सारे खाली पड़े हैं। देखो देखो कितनी होली खेली गई है यहाँ पे, ये देखो सफेद हो गया रखे, बाकी देखो यहाँ से गए थे हम, और देखो कितनी भीड़ आ रही, छोटी छोटी गलियाँ, बहुत छोटी छोटी गलियाँ। हमने बाइक यहाँ पार्क करी है, मात्र कुछ नहीं है, ऊपर तक ले आए थे मंदिर तक, बस उन्होंने कहा था प्रसाद ले लो और कुछ नहीं है, बाइक हमारी यहाँ खड़ी है। जी फाइनली होली का दहन हो चुका है और मैं भी घर आ चुका हूँ, वृंदावन के बाद सारी होली के बाद मैं भी घर आ चुका हूँ, ये होली का दहन हो चुका है।
जी आ गए थे हम घर पे। आपको आई होप कोई ब्लॉग अच्छे लगे होंगे होली के बाद, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।